ये ऊपर है, साइड पे कर लो इसको। ये हमारी पार्टी जो नाका की स्पेशल पार्टी तैनात थी पुलिस सीआरपी की, उस पर फायरिंग की टेररिस्ट ने, जो कि टू व्हीलर पे जा रहे थे, और उसकी रिटेलिएशन में दो टेररिस्ट मारे गए और एक जख्मी हुआ, जिसका अभी इलाज चल रहा है। ये जनवरी का जो पूरा महीना रहा 2020 का, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन अलग अलग जगहों पे लॉन्च किए गए, जिसमें काफ़ी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स जो हैं वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली हैं। उसके बाद खरीऊ में ऑपरेशन हुआ, तराल में दो ऑपरेशन हुए, और हाल ही में 31 को जम्मू में बॉर्डर पार से पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस करके इधर आया था, उसके तीनों टेररिस्ट एक एनकाउंटर में, वो भी नाके पर इंटरसेप्ट हुए, नाके के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ, मारे गए। साथ में लेके आ रहे थे, उससे लगता है कि किसी बहुत बड़ी टेरर एक्ट्स की प्लानिंग आने वाले टाइम में उनकी थी। तीन टेररिस्ट उसमें मारे गए थे और 8 से ज़्यादा वेपन, 40-45 ग्रेनेड और एक रेडीमेड आईडी पकड़ी गई, जो नगरोटा के बगल में वो छोड़ के आ गए थे, जिसको किसी स्कीम का हिस्सा था कि किसी कानवाई को या सिक्योरिटी फोर्स की एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट उस आईडी से करना था, और वो लगभग आईडी तैयार थी और प्लान ऐसी थी कि फिर से कोई कानवाई को वहाँ पर अटैक किया जाए।